हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। डीआरडीओ द्वारा 2G मेडिसिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कल 17 मई 2021 को लॉन्च कर दी है। ये इसका पहला बैच है जिसमें कि 10,000 डोज हैं। 2DG मेडिसिन शरीर में जाते ही कैसे काम करेगी, इसके क्या डोज होंगे, इसके साइड इफेक्ट कितने हैं, इसकी कीमत कितनी होगी, तो इस दवा के बारे में इस वीडियो में हम सारी बातें कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। भारत समेत दुनिया के अधिकांश हिस्से में कहर बनकर टूटे सार्स कोविड 2 के लिए दवा आ चुकी है। 2DG नाम के इस एंटी कोविड ड्रग को DRDO के वैज्ञानिकों ने बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस दवा का पहला बैच 10,000 डोज के साथ कल लॉन्च किया। 2DG को डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस ने विकसित किया है। इसमें हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के रिसर्चर्स का योगदान है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ही आम जनता के लिए इस दवा को बनाएगी। ये दवा एक पाउडर के रूप में उपलब्ध होगी। पिछले साल जब भारत में COVID-19 की पहली लहर की शुरुआत हुई थी, तभी से INMAS के वैज्ञानिकों ने इस पर काम शुरू कर दिया था। मई 2020 में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा को कोविड मरीजों के फेज 2 की ट्रायल की मंजूरी दे दी थी। ये ट्रायल अक्टूबर तक चला था। ट्रायल में सामने आया था कि कोविड मरीजों के लिए यह दवा सेफ है, रिकवरी में भी मदद करती है। नतीजों के बाद DCGI ने नवंबर 2020 में फेज 3 की ट्रायल की मंजूरी दे दी थी। आखिरकार ट्रायल डेटा के आधार पर 9 मई 2021 को DCGI ने इस दवा की आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी थी। 2DG असल में 2DG अणु का एक परिवर्तित रूप है जिसमें ट्यूमर कैंसर कोशिकाओं का इलाज होता है। ट्रायल में पता चला है कि 2DG कोविड मरीजों के इस्तेमाल में कारगर है। हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों को ऑक्सीजन पर निर्भरता में कमी आएगी। फिलहाल इस दवा को सेकेंडरी मेडिसिन की तरह यूज़ करने का परमिशन दी गई है, यानी यह प्राइमरी मेडिसिन सपोर्ट की यूज़ की जाएगी। ये दवा काफ़ी हद तक ग्लूकोज जैसी है, मगर ग्लूकोज नहीं है। वायरस शरीर में पहुँचते ही अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। इसके लिए उसे ताकत की ज़रूरत होती है जो ग्लूकोज से मिलती है। जब यह दवा दी जाएगी तो वायरस इस ग्लूकोज एनालॉग को लेगा और उसी में फंस जाएगा। नतीजा ये होगा कि वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जिससे कि वो लंग्स पे अटैक नहीं कर पाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि COVID-19 के बहुत से वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तो ये सवाल उठ रहा था कि क्या ये दवा हर वेरिएंट को रोक पाएगी। तो INMAS के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल मिश्रा के अनुसार 2DG अपनी कॉपी बनाने वाले वायरस को कैद कर लेती है, यानी वायरस का कोई भी वेरिएंट हो उसे खाने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी ही। जैसे ही वह अपनी भूख मिटाने के लिए आगे बढ़ेगा, ये दवा उसको अपनी जाल में फंसा लेगी। 2DG दवा अगर मार्केट में आई तो इसकी कीमत क्या होगी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो INMAS के वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर चंदना के मुताबिक ये दवा एक सैसे के रूप में उपलब्ध होगी। जैसे आप ORS को पानी में घोलकर पीते हैं, वैसे ही इसे भी पानी में मिलाकर पी सकेंगे। उन्होंने कहा है कि ये दवा दिन में 2 बार लेनी होगी। COVID-19 मरीजों को पूरी तरह ठीक होने के लिए 5 से 7 दिन ये दवा देनी पड़ सकती है। कीमत को लेकर अभी कुछ नहीं कहा गया है। डॉक्टर चंद्रा के अनुसार इस बारे में कोई फैसला डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ही करेगी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये दवा काफ़ी किफ़ायत दाम में दी जाएगी, इसका ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एक सैसे की कीमत 500 से 600 रुपये के बीच हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कोई भी दवाई लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो ये सवाल भी उठा कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में पूछने पर डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि ट्रायल के दौरान सामान्य और गंभीर मरीजों को यह दवा दी गई है। सभी मरीजों को इस दवा से फ़ायदा ही हुआ है, किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला। उनके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।